वहीं गुना से कांग्रेस का टिकट मिलने पर राव यादवेंद्र ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। साथ ही एनडीटीवी से खास बातचीत में गुना में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। लंबी मशक्कत के बाद कांग्रेस ने गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। तो आज अभी हमारे साथ मौजूद है यादवेंद्र सिंह यादव, उन्हीं से जानते हैं। आपको एक लंबी मशक्कत और मंथन के बाद कांग्रेस पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, तो आप कैसे देखते हैं पूरी उम्मीदवारी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय जयवर्धन सिंह जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, समस्त वरिष्ठ नेतृत्व का आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर उन्होंने इतना भरोसा जताया। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव जो कि लोकसभा होता है, उसमें मुझे उम्मीदवार बनाया, उनका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और ये चुनाव पूरे भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं देश में किस तरह का माहौल है, प्रदेश में किस तरह का माहौल है, और हमारे लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है और लंबे समय से उनकी सरकार है, परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने लंबे समय की सरकार होने के बावजूद आज हम तो हमारे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या स्थिति है। आप देखें, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा मजदूर हो, चाहे हमारा व्यापारी हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी पीड़ित हैं, सभी दुखी हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है और इस लोकसभा क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है यहाँ का बच्चा बच्चा चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य करेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे किसानों को, हमारी माता बहनों को, हमारे सभी वर्ग को ठगा गया। और ठगकर आज हम बात करें, अगर किसान की बात करें, चूंकि हमारा किसान बाहुल क्षेत्र है, तो उन्होंने अपने जो वादा किया था उसमें 2700 रुपए में गेहूं खरीदने की बात करी थी, 3100 रुपए में धान खरीदने की बात करी थी, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात करी थी। ऐसे तमाम प्रकार के झूठे वादे उन्होंने करके जनता से वोट लिया। आज मैं आप के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि गेहूं किस रेट में खरीदना चाह रही है सरकार, धान किस रेट में खरीदना है, हमारी माताओं बहनों को सिलेंडर किस रेट में मिल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो काठ की हांडी होती है वो एक ही बार आग पर चढ़ सकती है, बार बार नहीं। तो किस तरीके से सभी वर्गों को ठगा गया, अब वो वक्त आ गया है कि जनता हमारे यहाँ की अब जवाब देने के लिए तैयार है और पूरे गुना लोकसभा क्षेत्र की जनता जवाब देगी और इस लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएगी। भाजपा लगातार सामाजिक सम्मेलन आयोजित कर रही है, आज भी यादव सम्मेलन है सोनर जिले में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक तो नहीं खेला क्या यादवेंद्र सिंह कांग्रेस के लिए केपी यादव सिद्ध होंगे? देखिए, ये चुनाव यादवेंद्र सिंह जो छोटा सा कार्यकर्ता है, ये चुनाव किसी एक जाति एक वर्ग का नहीं है, ये चुनाव पूरे लोकसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता का चुनाव है। मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, परंतु प्रत्याशी यहाँ का हर मतदाता है। हर व्यक्ति अपने आप में यादवेंद्र सिंह, हर व्यक्ति अपने आप में हमारे राहुल गांधी है, हर व्यक्ति अपने आप में दिग्विजय सिंह है, हर व्यक्ति अपने आप में जीतू पटवारी है। हम एक छोटे से कार्यकर्ता है, परंतु हमारे क्षेत्र का एक एक मतदाता प्रत्याशी के रूप में कार्य कर रहा है और फुल मन बना चुकी है हमारे हर कार्यकर्ता ने, हर क्षेत्र की जनता ने, कि वो इस बार कांग्रेस पार्टी को ही विजय बनाएंगे। आपके पिताजी भी दो बार भाजपा से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और इस बार परिदृश्य उल्टा है, भाजपा से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में, और आपने भी उन चुनाव को भी देखा होगा और आज आप कांग्रेस से, तो इस चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं आप? कितना देखिए, मैं मेरे पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। जो हमारे पिताजी ने हमेशा अन्याय और दुराचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो समय भारतीय जनता पार्टी में भले थे, परंतु आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सारे अत्याचार भ्रष्टाचार हमारे क्षेत्र में किए जा रहे हैं। हम तो अब गरीब और मजदूर और किसान
और व्यापारी और युवाओं की लड़ाई मेरे पिताजी लड़ते आए हैं, उसी लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है और उसी लड़ाई को लड़ते जाना है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? 101% जीत के लिए आश्वस्त है और हमारे कार्यकर्ता अपने आप में, सभी कार्यकर्ता अपने आप में प्रत्याशी हैं और सभी कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर ही चुनाव लड़ेंगे और इस लोकसभा क्षेत्र से जीत दिलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस का राहुल गांधी और उसको इसी मंत्र को लेकर मैदान में जाएंगे। स्वदेश शर्मा, NDTV अशोकनगर।